साहित्य अकादमी नई दिल्ली और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भक्ति साहित्य और भारतीय समाज विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय संवाद भवन में किया गया। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर जनार्दन, प्रोफेसर कृष्णचंद लाल, प्रोफेसर दिनेश कुमार चौबे तथा प्रोफेसर रामदर्श राय मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने विशेष सत्र के विषय बिंदु भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जनार्दन जी के शिष्य प्रोफेसर और उत्तरीय प्रदान कर दिया है, यानी भक्ति साहित्य ने भारतीय समाज का नया निर्माण किया और भारतीय समाज ने भक्ति साहित्य को नया आकार दिया। भारतीय समाज सामने न होता तो भक्ति साहित्य भी उस रूप में हमारे सामने आज न होता जो जैसा हम इधर के प्रगतिशील लोग सोचते हैं। मगर बात आ चुकी है, उद्घाटन सत्र बड़ा सार्थक था। आप तो धूप को कहेंगे बुरा, आपके नाम की हरी है धूप, तो धूप में भी जिनके नाम की धूप हरी है उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा अच्छा है। पहले की भी भक्ति अच्छी थी और आज वाली जो कोई भक्ति है, क्योंकि हमारे बंधु प्रोफेसर रामदर्श राय जी ने आज तक भी इस भक्ति को खींचा है, तो भक्तों की जब संख्या देखें और सड़कों पर देखें तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, साहित्य के अध्ययन अध्यापन के जो विद्यार्थी हैं, वो भक्ति को, खासतौर से साहित्य को, भक्ति साहित्य को, हिंदी भक्ति साहित्य को एक काल विशेष का मानते हैं। मैं उसी काल विशेष का पाठक भी रहा हूँ और पढ़ाने वाला भी रहा हूँ, और वहीं के कुछ मसलों को आप लोगों के बीच रखकर एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन एक रास्ता भी पाना चाहता हूं। हमारे बंधु प्रोफेसर रामदर्श राय जी ने ठीक कहा कि मैं राम कथा को भी सोचता रहा हूं और अभी भी सोचता हूं, लेकिन राम कथा मेरे लिए वही कथा नहीं है जो तुलसीदास ने लिख दी, राम कथा वही नहीं है जो वाल्मीकि ने लिख दी, राम कथा वही नहीं है जो कथा न कहते हुए भी कबीरदास ने लिख दी, और हमारे आधुनिक काल के अनेक लोगों ने भी लिखी है। उस राम कथा के भीतर एक कथा और भी है, और वह कथा मैंने कभी गांधी की जुबानी पकड़ी थी। गांधी राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन वो राम राज्य तुलसी वाला जो राम राज्य है उधर नहीं जाते, राम राज्य से वहां शब्द लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह देश जिसमें दो वर्ग को बनाते हैं, एक वर्ग जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी मंच पर हूं और आप लोग भी सामने हैं, एक ये है, और एक वे जो भारत के गांव के देहातों में रहते हैं। इन दोनों की कथा एक ही नहीं है राम कथा की, और एक ही तरह से नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए जब वो हमारे लिए कहते हैं तो गांधी निश्चित रूप से पढ़े लिखे जो हम लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि हमारे जीवन का पोषण करने के लिए गांव के हजारों लाखों लोग सदियों सदियों से मरते खपते आए, सदियों सदियों से मरते खपते आए हैं हमारे जीवन का पोषण करने के लिए, अरे हमारी शिक्षा का पोषण करने के लिए, हमारे ज्ञान का पोषण करने के लिए, हमारे शरीर का पोषण करने के लिए, हमारी आत्मिकता का पोषण करने के लिए मरते आए हैं। गांधी कहते हैं कि जिस राष्ट्र के वे नायक और राष्ट्रपिता हैं, कहते हैं कि आज की ये जरूरत है कि हम उनके जीवन का पोषण करने के लिए आत्म बलिदान। और यह आत्म बलिदानी जो व्यक्तित्व होगा उनकी नजर में वही राम राज्य का उनका नायक होगा।